दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला पंजाब और बड़ौदा के बीच खेला गया। इस एक तरफा मुकाबले में बड़ौदा ने पंजाब को 25 रन से हराया। इस जीत के साथ बड़ौदा की टीम ने फाइनल में जगह बनाई। अब से कुछ ही देर में बड़ौदा का सामना तमिलनाडु से होगा। तो ये नजर डालते हैं अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेले गए इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले पर। टॉस जीतकर पंजाब ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी बड़ौदा ने 28 रन पर अपना पहला विकेट गंवाया। निनाद राठौर 15 रन बना पवेलियन लौटे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विष्णु सोलंकी भी 12 रन बना आउट हुए। 57 रन पर ही दो विकेट गंवा देने के बाद बल्लेबाजी करने आए कार्तिक काकड़े ने केदार देवधर के साथ मिलकर बड़ौदा की पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने 10.5 ओवरों में तीसरे विकेट के लिए 93 रन जोड़े। कप्तान केदार देवधर ने 49 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्के लगा 64 रन की शानदार पारी खेली, जबकि कार्तिक काकड़े ने 41 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्के लगा नॉट आउट 53 रन बनाए। वहीं अतीत सेठ भी 9 रन बना नॉट आउट रहे। इस तरह बड़ौदा ने 20 ओवरों में 3 विकेट पर 160 रन बनाए। पंजाब के लिए संदीप शर्मा, मयंक मारकंडे और सिद्धार्थ कौल ने एक एक विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की बल्लेबाजी शुरुआत से ही लड़खड़ाती हुई नजर आई। ओपनर सिमरन सिंह 15, अभिषेक शर्मा 5, अनमोलप्रीत सिंह 15 और रमनदीप सिंह 6 रन बना आउट होते गए। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए गुरकीरत सिंह मान ने 37 गेंदों पर 39 रन बनाए। गुरकीरत के विकेट के साथ ही पंजाब ने 15वें ओवर तक 85 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए। हालांकि गिरते विकेटों के बीच दूसरी छोर पर खड़े कप्तान मनदीप सिंह ने 24 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के लगा नॉट आउट 42 रन बनाए। लेकिन मनदीप के अलावा पंजाब का कोई भी बल्लेबाज बड़ौदा के गेंदबाजों के आगे ज्यादा देर नहीं टिक सका। इस तरह पंजाब की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट पर 135 रन ही बना सकी और ये मुकाबला 25 रन से गंवाया। बड़ौदा के लिए सबसे ज्यादा लुकमन मेरीवाला ने 3 विकेट झटके, जबकि निनाद राठौर ने 2, बाबा अशरफी पठान ने 1, कार्तिक काकड़े ने 1 और अतीत सेठ ने भी 1 विकेट चटकाया। 49 गेंदों पर 64 रन की शानदार पारी खेलने वाले बड़ौदा के कप्तान केदार देवधर मैन ऑफ द मैच बने।